बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे इंशाल्लाह, और मैं भी ठीक हूँ। और गाइस, आज मैं बना रही हूँ हलवा, और वो भी पेठे का। तो इसे हम अच्छे से छील के तो काट लेती हूँ मैं इसको अच्छे से क्यूब्स में, और इसका फिर हलवा स्टार्ट करते हैं और आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही मज़े का बनता है पेठे का हलवा। ये देसी पेठा है और इसका मैं हाफ लूँगी, हाफ का हलवा बनाऊँगी, और हाफ जो है उसका मैं मुरब्बा बनाऊँगी, और मुरब्बा भी किसी दिन आपके साथ शेयर करूंगी ज़रूर इंशाल्लाह। और आज मैं हलवा बना रही हूँ। और बिस्मिल्लाह गाइस, ये देखिए मैंने ये जो क्यूब्स में काट लिए हैं पेड़े को इस तरह, और अब मैंने लिया है 2 गिलास पानी, और पानी के अंदर मैं छोड़ दूंगी इन पेठों के क्यूब्स को। और बिस्मिल्लाह गाइस, ये देखिए मैंने पेठे को जो है छील के मोटे से उतार के इनके, और इनको मैंने इनको मोटा मोटा काट दिया है क्यूब्स में, और मैंने लिया है 2 गिलास पानी देगची के अंदर, और देगची के अंदर मैंने ही क्यूब्स को डाल दिया है जो पेठे के हैं, और इनको हम 15 मिनट के लिए चूल्हे पे रख देते हैं ताकि नरम हो के बिल्कुल इनका हलवा बन जाए। तो माशाल्लाह गाइस, फ्लेम मैंने ऑन कर दिए है, और इनको आँच के ऊपर छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए ताकि जो हमारा हलवा है बिल्कुल ही परफेक्ट तैयार हो जाए। और साथ में जो इनकी चीज़ें हैं वो मैं जोड़ लेती हूँ, और इसको कवर लगा देते हैं 15 मिनट के लिए। तो बिस्मिल्लाह जी गाइस, चेक करते हैं, अभी 5 मिनट हुए हैं और इन्हें अभी 10 मिनट और लगेंगे, अभी ये कच्चे हैं, और जैसे पानी बॉयल होगा तो ये खुद ही नरम होके इनका खुद ही हलवा तैयार हो जाएगा। बहुत ही मज़े का बनता है इनका हलवा। और माशाल्लाह जी गाइस, चेक करते हैं कि हमारे जो पेड़े का हलवा है ये देखें कहाँ तक पहुँचा है। और ये ऐसे हम करते जाएंगे ज़ोर से, और ये इस तरह पिसता जाएगा खुद ब खुद ही, और हलवा तैयार हो जाएगा। और माशाल्लाह ये देखें गाइस, ये बिल्कुल हलवा हो चुका है। अब मैं इसको दबाती जाऊँगी और इस तरह ये हलवा बनता जाएगा, और किसी बर्तन में मैं इसको निकाल लूँगी, और उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगी हलवा बनाना। और बिस्मिल्लाह गाइस, ये देखें पानी जो है खुश्क हो चुका है तकरीबन, और माशाल्लाह कलर भी बहुत ही प्यारा है। और ये देखें, ये मैं इसको इस तरह दबाती जा रही हूँ, और ये बिल्कुल इस तरह ये हलवा बनता जा रहा है, ये देखें। और इसमें कुछ कोई चीज़ भी हम नहीं मार सकते, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं होती, और इसको ऐसे दबाते जाएँ चम्मच की मदद से, और ये हलवा बनता जाएगा बिल्कुल इस तरह, ये देखें। और ये देसी हलवा है, बहुत ही मज़े का बनता है। और ये देखिए थोड़ा सा पानी है, बस पानी जैसे खुश्क होगा तो मैं इसमें इलायची वगैरह, बादाम ये डालूंगी, चीनी डालूंगी, और हमारा जो देसी हलवा है माशाल्लाह बहुत ही मज़े का तैयार हो जाएगा। कलर भी बहुत ही प्यारा है येलो सा। और ये देखें गाइस, ये देखें ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, बस इसको चम्मच की मदद से इस तरह हम करेंगे देगची के अंदर ही, उसी देगची के अंदर ही इसमें मैंने पानी डाला है। और ये देखें इस तरह करके दबाएंगे थोड़ा सा, और ये हमारा परफेक्ट सा इस तरह का ना हलवा जो है रेडी होके आ जाएगा, बस पानी जैसे ही खुश्क होगा। और ये देखें ये जो हमारा हलवा है ये चम्मच की मदद से ही बन जाएगा। और बिस्मिल्लाह, हम अपने खूबसूरत से जो हलवा है उसको देखते हैं, और हमारा जो ये हलवा है इसका पानी भी खुश्क हो चुका है, और बिल्कुल ये हलवा बन चुका है। मैंने चम्मच की मदद से इस तरह इसको दबा दबा के हलवा बना दिया है, और अब मैं किसी बर्तन में निकाल लेती हूँ, और इसी देगची में दोबारा हम हलवा डाल के चीनी डालेंगे और स्टार्ट करेंगे, और बस कोई मेहनत नहीं होती, थोड़ा सा इसको बनने में 5-10 मिनट 15 मिनट लेता है, और खुद ही ये हलवा बन जाता है। बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही नरम होता है, और उसके साथ साथ हेल्दी भी होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी गाइस, बिस्मिल्लाह करके मैं इसको अब किसी बाउल में या बर्तन में या प्लेट में, कोई भी बर्तन हो मैं उसमें निकाल लेती हूँ, और इसी देखिए मैं फिर दोबारा से हलवा बनाऊँगी, तैयार करूँगी। और ये देखिए माशाल्लाह, इसमें निकालती जाऊंगी और प्लेट में हम रख देंगे। अभी इसकी भुनाई बाकी है ऑयल में, हलवा जो है तैयार हो चुका है, लेकिन अभी इसकी भुनाई और अपना थोड़ा और है, मज़ीद 10 मिनट। और बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से स्टार्ट करती हूँ। और बिस्मिल्लाह, सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप ऑयल, और
उसके साथ ही मैं डाल दूंगी इलायची पाउडर और जीरा, और इसको थोड़ा सा हम क्रंची कर लेंगे। 5 मिनट के लिए हम घोल लेंगे इसी देगची के अंदर। देगची को धोने की कोई जरूरत भी नहीं है, उसी के अंदर ही हम हलवा बनाएंगे। और जैसे ही ये इसका कलर चेंज होगा जीरे का इलायची का, तो हम इसके अंदर अपना खूबसूरत सा कलर वाला हलवा डालेंगे। और माशाल्लाह इलायची जो जीरा है हमारा वो गड़गड़ा रहा है, और इसके अंदर हम साथ ही डाल देंगे बिस्मिल्लाह करके अपना हलवा देखने वाला जो मैंने अभी बनाया है, और इसको सारा डाल के अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए मैं भून लूँगी। और आज मेरा हेल्पर कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ, मोबाइल भी मैंने ही पकड़ा है, और हलवा भी मैं खुद ही बना रही हूँ, और बहुत मुश्किल हो रही है, सिर्फ आपके लिए बना रही हूँ ताकि अच्छी सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो माशाल्लाह गाइस, अब इसके साथ साथ मैं डाल दूँगी कटे हुए बादाम, आप छिलका भी खा सकते हैं, लेकिन मैंने इनको कूट लिया है अच्छे से पैकेट के अंदर ही, वो डाल दूँगी। और साथ में मैंने लिया था 1 कप घी का, और 1 कप डाल दूँगी मैं चीनी, बराबर लेनी है। और इसको अच्छे से मिक्स करके मैं 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँगी, और जैसे ही ऑयल बाहर आएगा तो हम इसे बर्तन में निकालेंगे, डिश आउट करेंगे, इंजॉय करेंगे और खाएंगे। और उम्मीद है आपको ये हलवा अच्छा लग रहा होगा, और जैसे देखने में बहुत ही खूबसूरत है वैसे खाने में भी बहुत ही लजीज होता है ये पेठे का हलवा, हमारा देसी हलवा। और माशाल्लाह गाइस, मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ, और जो मीठा है वो भी मैंने चेक कर लिया, माशाल्लाह परफेक्ट है। और हमारा जो खूबसूरत सा ज़ीरा है, इलायची है, बादाम है, वो भी बहुत खूबसूरत से नज़र आ रहे हैं। और बस अब ये भुनाई के आने वाला है, 5 मिनट में इसको कवर लगा देती ताकि छीके वगैरह उड़े नहीं। हमारा जो हलवा है कहाँ तक पहुँचा है, तो माशाल्लाह हमारा हलवा फुल हो चुका है, और मेरी फ्रेंड भी आ चुकी हैं, और आज उन्होंने आना था तो आज वो आ चुकी हैं। बस उनके लिए अब खाना भी बनाऊंगी और गपशप करेंगे। और आप भी जहाँ रहें अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, और मेरे लिए बहुत सारी दुआएं किया करें। और इसको मैं डोंगे में निकाल लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू है, और जायका भी माशाल्लाह बहुत ही मज़े का है, और ऑयल भी बाहर आ चुका है। और ये देखिए परफेक्ट जो हमारा हलवा है वो तैयार हो चुका है, अब इसे मैं डोंगे में निकाल लेती हूँ और इन्जॉय करेंगे हम मीठे में। और माशाल्लाह जी गाइस, ये देखें हमारा खूबसूरत सा हलवा तैयार हो चुका है, और अब आप इस पे चाहें बादाम, पिस्ता, अखरोट, कोई चीज़ भी गार्निश कर सकते हैं। और मैंने फ़िलहाल इस टाइम बादाम मेरे पास पड़े थे तो मैंने वो गार्निश कर लिए, मैंने बुनाई के टाइम भी बादाम डाले थे, और अब ऊपर भी मैं इसको हल्का सा खूबसूरती के लिए सजा देती हूँ। और बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही हेल्दी होती है, बहुत ही मज़े का बनता है हलवा, और इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआ में याद रखा करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी लेकर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।